हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो आज मैं जा रहा हूँ इसकी सीट वॉक करवाने के लिए। इश्यू ये है कि जो मैं एक दो लॉन्ग राइड पे गया हूँ, मुझे जो है इसका सीट कंफर्ट जो है ना, आफ्टर 200 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा बेकार हो जाता है। उसकी वजह से ना पूरा एंड का राइड ऐसा लगता है जैसे तुम बस किसी तरह कर रहे हो, मज़ा नहीं आता है। और क्योंकि मेरा इरादा है कि आगे चल के इस बाइक में एक टूर करने का भी है, एक या कई टूर करने का है, तो सीट कंफर्ट ज़रूरी है। तो मैंने सोचा आज ज़रा जाके यार थोड़ा सीट इसकी पैडिंग बेटर कर दी जाए, अगर हो जाती है तो। तो दोस्तों, हम पहुंचने ही वाले हैं सीट कवर वाले एरिया। एक्चुअली सिटी में मैं बहुत कम चलाता हूँ यार इस बाइक को, इसका मज़ा हाईवे में ही है। वैसे ये सिटी में भी बुरी नहीं है, इसका डिटेल रिव्यू खैर बहुत जल्दी आने वाला है तो आपको मैं और बताऊंगा इसके बारे में। आगे से कहीं से लेफ्ट जाना है। दोस्तों पहुंच गए हम, लेट्स सी यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसका ये सीट तो थोड़ा सा ना इसका वो बढ़ाना है, हाइट नहीं बढ़ाना है बट थोड़ा और बेटर, थोड़ा लंबा डिस्टेंस में ना या थोड़ा दखता है तो थोड़ा सा और इसको कैसे बोलें कंफर्टेबल करना है, बट ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ाना है। नहीं नहीं वो रहन फ्रंट का, केवल फ्रंट का। कंफर्टेबल चाहिए, हाँ और थोड़ा सा कंफर्टेबल चाहिए। अभी क्या है ना 100-200 तक ठीक रहता है, उसके बाद थोड़ा फिर वो दर्द देने लगता है, दर्द दुखने लगता है। हाँ पर इससे कंफर्ट आता है, इससे ये लॉन्ग राइडिंग के लिए ये नॉर्मल इसके वास्ते डाले गए ये सिटी को नहीं लॉन्ग राइड करती नहीं उनके जरा अच्छा है। ये कितना है ये 12x12 2500 तो इसका कितना का पड़ेगा अगर इसमें डालेंगे हम 12x12 ये पूरा पड़ेगा 2500 का पड़ेगा प्लस फिटिंग का एक्स्ट्रा, वो आपको शेव करके ये बना के उसका बस वही कवर डालना है। ओके तो टोटल कितना हो जाएगा रहा लगा के अगर देने का पूरा 3000 हो जाएगा। तो दोस्तों और ऑप्शन भी देख लेते हैं फाइनल करने से पहले, बेटर है एक बारी में करके जाओ। आई थिंक 3000 इज़ नॉट बैड, इन सब चीज़ों में इतना तो लग ही जाता है। तो आप देखेंगे काफ़ी सारी सीट्स इनके पास ऑलरेडी हैं बनी हुई, आई थिंक ये कैसा पड़ता है? ये भी अच्छा है, पोल्ट्री ला ले। इसका कितना पड़ता है? इसका ये तो बहुत हल्का है, ये प्रेस हो जाता है, ये डेंसिटी रहता है। वो क्या कर रहा है तो थोड़ा कट करके ये बिठा के वही कवर जब बहुत तो अच्छा। आप कौन सा रिकमेंड करते हैं, ये वाला ये
आप कौन सा बताओ, अगर आप पे खोलेंगे ये बेटर है, ये बेटर है। बेटर है ना, उन्हीं से पूछना यार, मैंने यूज नहीं करा है तो मुझे आइडिया नहीं है। तो बैठ के देख सकता हूँ, बैठो बैठो ना, खराब तो नहीं होगा ना। इसमें ज्यादा कुछ पता चल नहीं रहा है, पता नहीं। ये टोटल 5000 लगेगा इसका। हाँ हाँ, 5000 खाली, 5500 पूरा। और वो कहाँ गया जो आप इससे पहले एक फोम दिखा रहे थे? अब इसमें बैठ के देखो। इसका कितना है? 1000 रुपये का। ये 1000 का निकाल के ठीक है, अब इस वाले को ही कर दो फिर। ये इससे बेटर कोई है या इसमें यही सब बेस्ट है सबके? ठीक है, इस वाले को कर दो, देखेंगे आगे अगर कुछ ज़्यादा रहा तो फिर आ जाता है। क्योंकि इसका ना ये लॉन्ग राइड के लिए उतना, अभी तो इन्होंने पहले से अच्छा करा है इस साल का, लेकिन उतना अभी भी अच्छा नहीं है। जैसे मैं 100-200 तक जाता हूँ तो ठीक रहता है, जैसे ही वो 200 से ज़्यादा होता है उसके बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। सभी बराबर है, लिहाजा आओ तुम्हें क्या बोला।
வால்யூம் கூட மாறு, ஏன்னா நல்லா பாட்டுங்க வந்துருக்குது. இது ஸ்பிரிங் கீழே போகாதா? பேக் சீட் உட்காந்து என்ன ஆகும்? டச் ஆகும், அமுகாது, கேப் வராது. அப்ப கரத்தே ஹமே கர்னே ஜகா அப்படி கர் ரீங்க. ஏய் சம்பர் கம் கர ஜெய். அப்படி கரப தந்து வெச்சு மா. அட நம்ம ராஜ் சம்பர் ராஜா தெரியல நீ. யாஸ் கேவி கரேன் யா. நீ கேவி கரே நீ சோகே ஆரிங்க அல்ல. யாஸ் கேவி கரேன் யா. நீ சின்ன நாய் அர்த்தம்
आरक्षण है गाइस। हो गया है काम सीट का, अभी लंबे इस पे जाएंगे तभी पता चलेगा कितनी सही है कितनी बेकार है। राइट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यार आई डोंट नो, लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट तो लग रहा है बट कंफर्टेबल कितना है नहीं है वो सब देखना पड़ेगा, वो तभी पता चलेगा जब थोड़ी सी लंबी राइड में इसको लेके जाया जाएगा। किधर जाएं समझ नहीं आ रहा है, तो पूरा सा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलेंगे बहुत ही जल्द हमेशा की तरह। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए यार, लाइक लगा दीजिए और कमेंट में कुछ भी कमेंट करना मत भूलिएगा, जो मन में आए कर दीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा या आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। तो इतना ही आज के लिए, नमस्कार दोस्तों।